हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक GDS के लिए अलग अलग सर्कल में वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यदि अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई रिटन एग्जामिनेशन होना है और ना ही इंटरव्यू होना है। 10th की मेरिट बेस्ड पर आपको सिलेक्शन होना है। तो यदि अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है GDS, और यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक ओपन होगी वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको और इन्फॉर्मेशन दिख जाती है अलग अलग सर्कल में कि GDS के लिए कितनी वैकेंसी निकली। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए 1296, दिल्ली के लिए 233 और तेलंगाना के लिए 1150 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। तो यदि आप जिस भी सर्कल में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात ज़रूर जानना चाहिए कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आपने 10th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जैसे आप दिल्ली के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो दिल्ली की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपने 10th में हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप दिल्ली के लिए GDS के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यदि आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले कभी इसके लिए फॉर्म फिल किया है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको और भी इंफॉर्मेशन डालना होगा, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर गेन करना होगा, और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कैटेगरी में छूट तो नहीं मिला फी में, तो आप डिटेल से यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एंड टाइम में कभी कभी वेबसाइट धोखा दे जाती है। और तो एक काम कीजिए, अभी कर दीजिए, टाइम है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।